नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का सबसे बड़ा विश्लेषण मंच। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां अपनी अपनी उलझनों में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उनको ये नहीं पता कि आगामी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस अपने नेतृत्व को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नए नए कानूनों को लागू करके विरोध प्रदर्शन को झेल रही है। ये दोनों ही पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकती, ये बखूबी जानती हैं। राजस्थान में निर्दलीय पार्टियां अपनी मजबूत स्थिति बना चुकी हैं, जिनमें आरएलपी के बेनीवाल और आप पार्टी प्रमुख हैं। कम से कम 30 से 40 निर्दलीय उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब वो दिन बीत चुके हैं जब राजनीति करने के लिए आपको किसी पार्टी के सहारे की, उसके नाम की जरूरत पड़े। अब अगर आपके पास हुनर है राजनीति करने का, तो आप निर्दलीय उम्मीदवार बनकर भी राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और जनता के दिलों पर राज भी कर सकते हैं। इसके कई ताजा उदाहरण राजस्थान की राजनीति में देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने की ताकत भी रखते हैं। आइए अब आपको सुनाते इस मुद्दे पर राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके चंद्रराज सिंघवी जी की क्या राय है। आगामी विधानसभा चुनाव में सक्षम जीतने योग्य और ताकतवर उम्मीदवार पार्टियों के दरवाजों और चौखट पर भीख नहीं मांगेंगे। भाजपा के यहां भी टिकट मांगने वालों की संख्या में कमी आएगी और कांग्रेस में तो बहुत कमी आएगी। दोनों ही पार्टियां अधः पतन के घोर अंधकार में घुसी हुई है। भाजपा इंटरनल लड़ाई और ये सेना के वीरों की लड़ाई में फंसी हुई है। कांग्रेस अपने नेताओं की बदकिस्मती में उलझी हुई है। दोनों पार्टियों में चुनाव लड़ने से बेहतर निर्दलीय उम्मीदवार चाहेंगे कि वे स्वयं जीते, और इनमें प्रथम उम्मीदवार भीमराज भाटी ने कड़ी घोषणा कर दी है। आगामी एक महीने के अंदर 25 निर्दलीय सशक्त उम्मीदवार बिना पार्टियों की ओर झाके ताके देखे झुके ठोकर मारकर अपने सामने खुद स्वयं अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और आगामी चुनाव में निर्दलीयों का बोलबाला होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और GST नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।